जय हिंद एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है नए जनरल नॉलेज क्विज में। और चलिए कॉपी पेन ले लीजिए, शुरू करते हैं एक हार्ड कोर क्विज। क्विज की शुरुआत से पहले विजया किरण फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल फाउंडेशन है जिनके तरफ से ये क्विज के लिए सारे बच्चों के लिए कराने के लिए मुझे इंस्पिरेशन दिया गया। सभी को जय हिंद है, फिर से शुरू करते हैं क्विज। अगर आप नए हैं तो आपके लिए इंस्ट्रक्शंस, अगर आप पुराने हैं तो आप इंस्ट्रक्शन जानते होंगे। नए अगर स्टूडेंट हैं या नए जो भी हैं क्विज़र, इसे एक बार वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए दोबारा कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है। 3 राउंड्स होंगे, क्वेश्चंस इतने पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग, सेकंड राउंड में नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक। और वीडियो जरूर हर राउंड के बाद वीडियो पॉज करके उसके बाद आप अपने आंसर्स लगाएं, ठीक। लास्ट में आपके आंसर्स का असेसमेंट की जाएगी, तो इस इंस्ट्रक्शन को जरूर से 10 सेकेंड जरूर दे करके पढ़ लीजिएगा। शुरू करते हैं राउंड 1। कॉपी पेन ले लिया होगा आप, उम्मीद से कॉपी पेन ले लिए होंगे आप, और शुरू करेंगे राउंड 1। 10 क्वेश्चन, नो नेगेटिव, सारे क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नेशनल गेम ऑफ भूटान, भूटान का नेशनल गेम क्या है? फिर आइए सेकंड क्वेश्चन, आइए फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ब्लू रिवॉल्यूशन इंडिया में किनको बोला जाता है लाने वाले। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड एड्स डे आप कब सेलिब्रेट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, राउंड 1 का मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड, किस सिटी को आप जानते हैं, सबसे जनसंख्या, भारी जनसंख्या वाला सिटी है। कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, ये काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, राउंड 1 का फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज। क्वेश्चन नंबर 7, आइए मोगली एक कैरेक्टर है, किस बुक में आपको ये कैरेक्टर मिलता है मोगली। क्वेश्चन नंबर 8, 6 अप्रैल 1930 इस डेट को क्या हुआ था इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 9, एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं किनके बर्थडे पर, किस फेमस पर्सनालिटी के बर्थडे पर आप सेलिब्रेट करते हैं। 10th है फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का सुधार या बदलाव किस साल किया गया था। तो 20 सेकेंड्स के लिए इस वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, प्लीज 20 सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए, आगे मत बढ़िए क्योंकि आगे आंसर्स हैं। हाँ, अगर आपको 10 क्वेश्चंस को फिर से देखना है तो पीछे जा करके राउंड 1 के 10 क्वेश्चंस को पॉज कर करके आप देखें, आंसर लिखें अपने कॉपी पर, ठीक है। 10 मार्क्स एवरी राइट आंसर, ठीक है, लेकिन आगे मत बढ़िएगा। चलिए आपके पास 20 सेकेंड है, आप अपने कॉपी में आंसर लिख लें और इस वीडियो को पॉज कर दें 20 सेकेंड के लिए। चलिए, हम मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा 20 सेकेंड। अब आपके आंसर्स जो आपने लिखे हैं उसका मिलान करते हैं कितना सही है। क्वेश्चन नंबर 1 था नेशनल गेम ऑफ भूटान, तो भूटान का नेशनल गेम आर्चरी है, तीरंदाजी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका था फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, तो डॉक्टर हीरा लाल चौधरी और डॉक्टर कृष्णन, अरुण कृष्णन, दोनों में से अगर कोई भी लिखा होगा आंसर तो भी पूरा करेक्ट है, दोनों लिखा है तो भी करेक्ट है, ठीक है, एक भी लिखा होगा दोनों में से तो भी आपको 10 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड एड्स डे आप कब सेलिब्रेट करते हैं, 1 दिसंबर। फिर मोस्ट पॉपुलर सिटी कौन सा है, टोक्यो। देखिएगा ये लाइन से जो शहर है ये वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर सिटी है, भारत के ही अकेले इसमें कम से कम दो तो ऐसे ही सिटी आपको दिख रहे हैं भारत के भी, तो टोक्यो सबसे ज्यादा पॉपुलर सिटी है। क्वेश्चन नंबर 5, कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया जकार्ता है, और ध्यान रखिएगा जकार्ता के करेंसी पे गणेश भगवान का इमेज बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश गोविंद बल्लभ पंत, ये पहले सीएम थे गोविंद जी का फोटो। क्वेश्चन नंबर 7 था मोगली किस बुक का कैरेक्टर है, रुडियार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया जंगल बुक का कैरेक्टर था मोगली। क्वेश्चन नंबर 8, 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ कि 12th मार्च 1930 को शुरू हुआ फेमस दांडी मार्च, और एंड कब हुआ, 6th अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, आइए एजुकेशन डे आप किनके जन्मदिन पर, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आजाद के बर्थडे पर आप एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट किस साल हुआ, 1951 में, फर्स्ट अमेंडमेंट 10th में 1951 को पहला अमेंडमेंट हुआ, ध्यान रखिएगा।
तो इस तरह से आपको 10 क्वेश्चंस डन है। अब जितने क्वेश्चंस आपने सही, जितने आंसर्स आपने सही दिए हैं उनको जोड़ लीजिए, 10 मार्क्स है आपके करेक्ट आंसर के लिए। 10 में से जितने सही हैं उनको काउंट करके बगल में सर्किल में लिख दीजिए, इतना टोटल, क्योंकि लास्ट में वो जुड़ाएगा। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए सेकेंड राउंड के लिए। ध्यान से दीजिएगा क्योंकि अटेम्प्ट केयरफुली, क्योंकि -10 है गलत आंसर पर, +10 है करेक्ट आंसर पर। चलिए शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड राउंड। इंडिया, कौन से इंडियन थे जो कि 2014 में नोबेल प्राइज मिलता है? क्वेश्चन नंबर 2, आईसी चिप कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है किससे बना होता है? सेकेंड राउंड का क्वेश्चन नंबर 3, सत्यमेव जयते किस माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, पौराणिक आपको बुक से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4, दीन ए इलाही एक नए धर्म की स्थापना करने का प्रयास किस एम्परर ने किया? क्वेश्चन नंबर 15, शेरशाह सूरी रोड कोलकाता से किस जगह को कनेक्ट करता है? ह्वेन सांग भारत आए किन, उस समय भारत में जो बहुत सबसे बड़ा जो किंगडम रहा होगा उनके राजा कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7, बाण भट्ट फेमस कोर्टियर पोएट थे, किस रूलर के दरबार में थे? क्वेश्चन नंबर 8, अभिज्ञान शाकुंतलम किस एम्पायर में लिखा गया? ध्यान रखिएगा ना कि किनके द्वारा लिखा गया, आपको ये बताना है कि किस एम्पायर के तहत अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा गया था। लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? और लास्ट क्वेश्चन सेकेंड राउंड का, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो इसका मतलब है आपके 10 क्वेश्चन डन है, 10 क्वेश्चन सेकेंड राउंड के भी डन है। ध्यान दीजिएगा -10 है गलत आंसर के लिए, 20 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए, आगे मत बढ़ाइएगा क्योंकि आगे आंसर है। हाँ, 10 क्वेश्चन सेकेंड राउंड को अगर दोबारा देखना है तो वीडियो को पीछे ले जाइए, 10 क्वेश्चन बारी बारी से पॉज कर करके देखिए और आंसर लिखने का कोशिश करिए। समझदारी भरा आंसर लिखिएगा, जरूरी नहीं कि जबरदस्ती हम सुसाइड करें ही करें। ठीक है, तो 10 सवाल है, जो जितना आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, उतना ही आप अटेम्प्ट करें, माइनस ना करें क्योंकि ये आपके फिर लाइफ में बहुत काम देगा, ये आपको दूर रहना है आपको नेगेटिव से। चलिए उम्मीद करते हैं आपने 20 सेकंड वीडियो पॉज किया होगा, आपके अटेम्प्ट 4 हो गए, 5 हो गए, 8 हो गए, अगर आता है सारे तो 10 अटेम्प्ट होंगे। चलिए मिलान करते हैं आपके आंसर्स का। क्वेश्चन नंबर 1 था, नोबेल प्राइज किसको मिला? तो भाई मलाला यूसुफजई के साथ, ये पाकिस्तानी है, कैलाश सत्यार्थी इंडियन है, बच्चों के सुरक्षा के लिए और उनके एजुकेशन के सुरक्षा के लिए था कैलाश सत्यार्थी जी का। क्वेश्चन नंबर 2 जो सेकेंड राउंड का था, आईसी चिप बना होता है सिलिकॉन का, है ना, सिलिकॉन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 था, माइथोलॉजिकल टेक्स्ट मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 4 था, दीन इलाही किनके द्वारा शुरुआत की गई? दीन इलाही मुगल एम्परर अकबर के द्वारा शुरू किया गया और सबसे पहले बिरबल थे जो इस धर्म को स्वीकार किए थे, मतलब ये सिंक्रेनेटिक का मतलब कई धर्मों की अच्छी बातों को जोड़ करके एक बनाना, एक ख्याल बनाना। पांचवा सवाल है, शेरशाह सूरी रोड कनेक्ट कहाँ से कहाँ करता था? शेरशाह सूरी रोड को ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं और पहले उत्तरापथ सड़के आजम बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है, एशिया का ओल्डेस्ट रोड है, ठीक है ना, और ये 2500 साल पुराना ये रोड है, ये इन्हीं का नहीं लेकिन इन्होंने चूंकि बनवाया था उसको अपने समय में, तो इसलिए तो ये लास्ट में पेशावर में जाकर के मिलता है, तो कोलकाता टू पेशावर। फिर आइए, ह्वेन सांग किनके दरबार में आए? ह्वेन सांग दरबार में आए हर्षवर्धन, पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर हर्षवर्धन के दरबार में आए, इन्हीं के सम्मान में आपको कन्नौज असेंबली बुलाया गया था। फिर बाण भट्ट किनके दरबार के ये थे? हर्षवर्धन के दरबार में ये कोर्टियर पोएट थे, उनके दरबारी कवि थे। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम गुप्त एम्पायर के द्वारा लिखा गया, ध्यान रखिएगा। 19, लार्जेस्ट लेक कौन सा है? कैस्पियन सी वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है, लार्जेस्ट लेक है, काकेशस माउंटेन के तरफ है सेंट्रल एशिया में। 20, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ है? ये केरला में आपको मौजूद है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, तिरुवनंतपुरम केरला के। तो आपने 10 क्वेश्चंस का आंसर देख लिया, अब आपका जितना आंसर सही है सेकंड राउंड का उसको टोटल अप करिए
और जितना गलत किया है सेकंड राउंड में उसको उसमें माइनस कीजिए। अगर चार सही है एक गलत तो 40 - 10 यानी 30, यानी सेकंड राउंड का असेसमेंट करके किनारे सर्किल में अपना मार्क्स लिखिए, क्योंकि राउंड वन राउंड टू जुड़ाएगा। चलिए राउंड तीन छप्पड़ फाड़ के राउंड है, इसमें स्पेशल मार्किंग स्कीम है, तो ध्यान से शुरू करते हैं। चलिए तैयार हो जाइए, क्वेश्चन नंबर राउंड थ्री का क्वेश्चन नंबर वन। चलिए 5-year plan वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, पंचवर्षीय योजना सरकार का आता है, पहला पंचवर्षीय योजना किस साल आया। सही आंसर देने पे 50 पॉइंट, गलत आंसर देने पे -25। डेयर करना है आपको, अब आप सोच लीजिए, नहीं आंसर पता है छोड़ दीजिए, कोई नहीं, सेफ है आप। क्वेश्चन नंबर टू थर्ड राउंड का, ओल्डेस्ट गोल्ड माइन ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट, सही जवाब देने पर 100 पॉइंट्स, गलत जवाब देने पर -50। नहीं आंसर पता है कुछ मत लिखिए, सेफ है आप। क्वेश्चन नंबर थ्री, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत 1761 में लड़ा गया, अफगान वर्सेस किस किसके बीच में, अफगान और भारत में किसके बीच में, मतलब किस फोर्सेस के बीच में लड़ा गया था। सही जवाब देने पे +150 और गलत पे -75, ध्यान से समझ के दीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 मतलब चौथा आपको, चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क 399 AD में कौन सा चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था जो भारत आया। सही जवाब देंगे तो +200, गलत पे -100। और लास्ट सवाल इस थर्ड राउंड का और साथ में क्विज का भी, नेटिव पीपल ऑफ अंटार्कटिका आर कॉल्ड एज, सही जवाब देने पे +250, गलत जवाब पे -200। तो 20 सेकंड के लिए पॉज कर दीजिए आप इस वीडियो को, और पांचों सवाल का जो जवाब है उसको सोच समझ करके, अगर एक ही पता है तो एक जवाब दीजिए, दो पता है तो दो जवाब दीजिए, पांचों पता है तो ही जाइए, क्योंकि यही चीज आगे चल करके आपके लाइफ में OMR, आप किसी भी एग्जाम को देंगे तो OMR में आपके अंदर का गट फीलिंग आपको जवाब देगा। तो 20 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, और 5 क्वेश्चन को दोबारा देखना है तो पीछे जा करके बारी बारी से क्वेश्चन को देखते हुए पॉज करिए। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा, और चलिए देखते हैं आपके आंसर्स के साथ मिलान करते हैं। जो आंसर नहीं पता है वो हटा दीजिएगा, वो सेफ रहेगा जो आपने बस लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर वन है वो देखते हैं, फर्स्ट 5-year plan जो था वो 1951 में आया था। क्वेश्चन नंबर टू है, ओल्डेस्ट गोल्ड माइन ऑफ इंडिया जो है, कोलार गोल्ड फील्ड को कहा जाता है, जिसे KGF भी है, ये कर्नाटक में है, कोलार को बोलते हैं, लैंड ऑफ सिल्क मिल्क एंड गोल्ड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री था, अफगान वर्सेस आपको मराठा के बीच में लड़ा गया, अफगान के उस समय अहमद शाह अब्दाली थे और मराठा जो आपको थे वो आपको सदाशिवराव भाऊ के तरफ से फोर्सेस लड़ी थी मराठा का। 24 में है चाइनीज बुद्धिस्ट जो है फाहियान है, जो आपको 399 AD में भारत आए माउंटेन पास के थ्रू। और लास्ट सवाल है, नेटिव पीपल ऑफ अंटार्कटिका, ऐसा है कि यहाँ पे कोई नो नेटिव, कोई नेटिव होते ही नहीं है, ये एक बात रहा, ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई नेटिव नहीं होता है। तो अब आप अपना स्कोर पांचों सवाल का जो राउंड थ्री है उसमें जितने क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया है उसका मार्किंग स्कीम आपने देखा है, आप उसको टोटल अप करिए, अगर गलत भी हुआ हो तो भी उसको सब्सट्रैक्ट करिए अपने इस राउंड में, हाँ, और थर्ड राउंड का आप जो मार्किंग है वो किनारे करिए, और करने के बाद ऐड करिए राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री मार्क्स को ऐड करिए, और उसके बाद तीनों राउंड का मार्क्स ऐड करने के बाद जो आपका ग्रैंड टोटल है, ग्रैंड टोटल का मतलब क्या है, राउंड वन का टोटल मार्क्स, राउंड टू का टोटल मार्क्स और राउंड थ्री का जितने क्वेश्चन हो उसका टोटल मार्क्स का टोटल ऐड करने पर जितना आता है वो ग्रैंड टोटल है। तो ग्रैंड टोटल का अगर आपने 75% मार्क्स आपने स्कोर किया है अभी तो आप एक्सीलेंट कैटेगरी में है, सर क्विज आपके खून में है। फिर ग्रैंड टोटल के 50% से 75% के बीच में अगर आप हैं तो सर ये भी है कि आप बहुत बढ़िया चल रहे हैं, सर आपको हैट्स ऑफ है सर। और क्वेश्चन नंबर अगर आपका ग्रैंड टोटल का 35-50% है, बढ़िया है, थोड़ा सा मेहनत और उसके बाद आप सीधा KBC में बैठे नजर आएंगे, और 35% से नीचे है तो भाई हम लोग को और मेहनत करना है और क्विज करना है ताकि हम लोग भी 35% वाले हिस्से में जा सके। ध्यान रखिएगा कि
जो ये क्विज है सारे बच्चों से लगवाइए, जो ये क्विज है वो सारे बच्चों से लगवाइए, अपने फैमिली मेंबर से लगवाइए, जितने आसपास के लोग हैं उनसे लगवाइए। ये जो क्विज है एपिसोड 5 सीजन 1 एपिसोड 5 का जो जनरल नॉलेज क्विज है, इसको जितना हो सके आसपास के बच्चों से लगवाइए। यहाँ पे कोई इससे कोई हमें फायदा बहुत ये कोई फायदा नहीं है। सीधा बात है कि क्विज एक नया रिलीजन के तौर पे क्विज की शुरुआत हमें करना है, ताकि बच्चों में एक कंपटीशन का एटीट्यूड जा सके। क्योंकि अगर आप ऐसे बच्चों को पढ़ाना लगेंगे तब उनका मन नहीं लगेगा। हाँ, खेल खेल में अगर पढ़ाई होगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव करेगा। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ये क्विज दिया। अगर ये क्विज देने का ही आप लोग का गट्स था तभी आप लोगों ने क्विज दिया, तो आप लोग सबसे पहले बधाई के पात्र हैं। और थैंक यू विद्या किरण फाउंडेशन, क्यों? क्योंकि ये गरीब बच्चों के लिए काम करते हैं, सिर्फ सहायता है, बस सहायता, और एक भी बच्चा छूटे ना, सीधा बात है। तो थैंक यू एवरीवन, फिर आपसे मुलाकात होगी एपिसोड 6 में, सीजन 1 के एपिसोड 6 में अगली बार मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।